टुडे जो टॉपिक है फैमिली कॉन्स्टेलेशन, इसमें हम कुछ चीजें रियलाइज करेंगे। मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बताऊंगी जहां पे आपको समझेगा कि हाउ टू फील द एनर्जी, है ना। और सबसे पहले मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप अपने माइक्स अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जो भी आपको ठीक लगता है। इसमें कोई जजमेंट नहीं है कि आपने ये बोला वो बोला, जो कुछ भी आपको लगता है आप बताइए। आप अपने हैंड रेज कर दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, तो अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज एवरीबडी। तो माय क्वेश्चन इज, फैमिली कॉन्स्टेलेशन, ये जो थेरेपी का नाम है फैमिली कॉन्स्टेलेशन, तो फैमिली तो हम सबको पता है कि क्या चीज होती है, राइट। मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा सब सब हमारी फैमिली ही है, राइट। कुछ बायोलॉजिकल फैमिली होती है, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, राइट। पर ये कॉन्स्टेलेशन वर्ड क्यों डाला गया? समटाइम हमारी जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारी फैमिली जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन क्यों? सो आपको जो भी समझ में आता है कॉन्स्टेलेशन का मतलब आपके लिए क्या है वो आप बताएं, जो भी आता है। मतलब इसमें कुछ सही गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप बताइए। प्लीज गो वन बाय वन, प्लीज गो वन हाँ बाय जी, वन, थैंक यू। आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी नम्रता जी, आप बोलिए। कॉन्स्टेलेशन मींस ग्रुप, तो हाँ एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स हो जाता है। अब वो खाली मेंबर्स नहीं हुए, हमारे कोई भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स भी हो सकते हैं या हमारे यस आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उसमें, वो ग्रुप परफेक्ट ऑफ पीपल। हाँ परफेक्ट। दीपक जी आप बताइए, कॉन्स्टेलेशन आपके लिए क्या है? बिल्कुल मैडम ने ठीक कहा, ग्रुप है, बट इस ग्रुप में एक ही कंडीशन है कि वो दे बिलोंग टू द सेम जेनेटिक लेवल, एक ही मतलब रूट से, मतलब जो उनका पीछे। नहीं, मैं कॉन्स्टेलेशन का मतलब, वर्ड जो कॉन्स्टेलेशन आया है वो वर्ड कॉन्स्टेलेशन का मतलब आपके लिए क्या है? ग्रुप ग्रुप जैसे ऊपर ओके होते ना, सात ध्रुव बोलते हैं क्या हिंदी में, कॉन्स्टेलेशन जो बनता है ग्रुप ऑफ। हाँ, ये स्टार कॉन्स्टेलेशन, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ जी, आप मिस्टर क्लाउड प्लीज सर आप बताइए, आपके लिए क्या मतलब है? हाँ, तो जो पहले उन्होंने बताया, हाँ हाँ आई स्पीक हिंदी एज वेल, आई एम एन इंडियन। तो कॉन्स्टेलेशन जो है, इट इज अ सेट ऑफ स्टार्स जिसको हम एक पैटर्न देते हैं, एंड ये कॉन्स्टेलेशन ओवर इयर्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स ये चेंज नहीं होता। तो इट इज अ सिस्टम दैट इज देयर परमानेंटली। वैसे ही फैमिली में भी देयर इज अ सिस्टम, आई हैव रेड अबाउट दिस, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो फैमिली में भी देयर इज family yeah. maybe there is a system which which is necessary to run the family properly. Jab ye like if someone leaves the family, someone dies or ghar chhod ke koi chala jata hai, to this system gets, there is an imbalance in this system. It's like a taraju jo matlab balance mein rehta hai, but ek dam chale jane ka ek upar niche ho jata hai, and that causes the problem in the family, and family constellations help us to identify this problem and resolve it. Okay, okay. Thank you so much for sharing. Thank you. It was really perfect. Yes, Dr. Ranganath ji, please tell me. Namaste, madam. कैसे हैं मैडम आप? I'm good. I'm good. आप बताइए. मैम, constellation मतलब we are linked together. मतलब किसी को अच्छा होता है, मतलब it's a group, of course. तो जैसे मुझे लगा, जैसे आपने पांच सात जो की थी उसमें मुझे लगा कि वी ऑल आर लिंक्ड। किसी को खुशी होता है तो वी शेयर दैट, किसी को दुख होता है दैट आल्सो वी आर शेयरिंग। तो एक प्रकार का लिंकिंग सिस्टम होता है एक दूसरे से। अगर कोई खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं रह सकते हमारे। यस परफेक्ट परफेक्ट। सो एक्चुअली कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है एक फिक्स जगह किसी को देना। ओके, तो स्टार कॉन्स्टेलेशन भी आपने देखा है, उनकी अपनी एक जगह होती है, दे आर फिक्स्ड देयर, राइट। उसी से कॉन्स्टेलेशन बनता है, राइट। सो फैमिली भी हमारी एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टेलेशन है, जिसकी जगह जहां है वहां होना चाहिए। जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हमारा फैमिली सिस्टम गड़बड़ा जाता है, राइट। तो अगर ये जो स्टार कॉन्स्टेलेशन गड़बड़ा जाए तो बहुत सारी एनर्जीज भी गड़बड़ाएंगी, राइट, क्योंकि दे हैव देयर ओन वर्क, एवरी बिट इन दिस वर्ल्ड दे हैव देयर ओन वर्क, कि वो उनको कहाँ पे क्या करना है। सो बेसिकली
फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है उसके कई सारे नाम भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली कॉन्स्टलेशन, देन फैमिली थेरेपी, एंड देन थर्ड वन इज सिस्टमिक थेरेपी. ओके, सो फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी बहुत सारे पार्ट है, मतलब अलग अलग तरीके के कॉन्स्टलेशन होते हैं. जैसे आप जो सीखने जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्स्टलेशन है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बेसिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ कम है इसमें या बिल्कुल बेस आएगा, नहीं. इसी बेसिक फैमिली कॉन्स्टलेशन कोर्स से आप किसी भी तरह के केस हैंडल कर सकते हैं, वेदर इट इज मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आप हर चीज को इसमें हील कर सकते हैं. आपको ये जो बेसिक लेवल कराया जा रहा है, ये बेसिक लेवल ही सब कुछ है. बाकी इसमें जो आगे आने वाले कोर्सेज होंगे वो होंगे फैमिली ट्रॉमा एंड बॉन्डिंग, देन नेक्स्ट आपका हो सकता है बिजनेस कॉन्स्टलेशन, देन एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशन. ओके, एक्चुअली जो हम कॉन्स्टलेशन सीखते हैं, जो बर्ट हेलिंगर इज द फाउंडर ऑफ दिस मॉडलिटी, उन्होंने एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर इसका तैयार किया उन्होंने. और ये जो कॉन्स्टलेशन उन्होंने तैयार किया, उसके बाद से बहुत सारे एडवांस लेवल पे कॉन्स्टलेशन सब होने लगे हैं, बिकॉज नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्निक एंड कैसे कौन सा कैसे हम शुरू करेंगे कॉन्स्टलेशन और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बहुत आरएनटी की हुई है इसमें, फैमिली कॉन्स्टलेशन में. मेरे लिए दिस इज मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग थेरेपी है, क्योंकि ये थेरेपी में आपको सब कुछ क्लियरली पता चलता है, वो भी विद ओपन आईज. आप खुद महसूस कर सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द थेरेपी. जनरली क्या होता है कि सामने वाला बैठता है, आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपके सामने बैठता है और वो थेरेपी करता है, राइट. सेम हियर, पर यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ आपको गाइड करता है, आप अपने आप चैनल करते हैं. सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ चूजिंग फैमिली कॉन्स्टलेशन इज ओपनिंग मोर इंट्यूशंस. आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे थीटा से भी हैं, बहुत सारे जो और दूसरे कोर्सेज हैं मैंने जितने भी कराए या और जो उन्होंने सीखे हैं इस फोरम पे, जो भी कोर्सेज होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल, वहां पे आपने जो कुछ भी, जितना आपको लगता है कि हम इंट्यूटिव नहीं है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यू कैन चैनल योर ओन सेशन, यू कैन बिकम अ चैनलर आफ्टर डूइंग दिस थेरेपी. क्योंकि इसमें एक चैनलर होता है और एक थेरेपिस्ट होता है, राइट. तो जब ये थेरेपी आगे बढ़ती है तो जो चैनल करता है उसको खुद समझ में आता है कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट माय एंसेस्टर वाज फीलिंग, व्हाट माय मनी इज फीलिंग, व्हाट माय रिलेशनशिप, व्हाट माय फैमिली इज फीलिंग, और व्हाट माय मैरिज इज फीलिंग. सो जो मैरिज में फीलिंग आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज योर एनर्जी, योर मैरिज इज योर एनर्जी, योर मनी इज योर एनर्जी, सो यू कैन फील बाय योर सेल्फ. यहाँ थेरेपिस्ट का काम बहुत डिफरेंट है. यहाँ जिसकी थेरेपी हो रही है, जिसको चैनल करना है, उसका काम उसकी अपनी इमोशंस को समझना, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने एंसेस्टर के साथ बनाना, राइट. अभी मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी, या आपकी कोई भी पार्ट है या कोई भी पर्सन है जिसके साथ आप कॉन्स्टलेशन कर रहे हैं, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग. ओके, ये इंट्यूशन. और बिलीव मी, आज तक मैंने कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा कि जो अपना चैनल ना कर पाए सेशन. Everybody can do that. So there are a lot of myths कि अरे नहीं नहीं चैनलिंग नहीं हो पाएगा, ये नहीं. नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जो विलिंगली चैनल करना चाहता हो और ना कर पाए. नो चांस. यस, मे बी के एक दो सेशन आपको लग सकते हैं समझने में, वो भी आप कर लेंगे और आपको तुरंत फीलिंग आएगा, जिसकी स्टार्टिंग हम आज से ही करेंगे.